हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको टच पेस्टिंग का जो प्रोसेस है पूरा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो फ़ोन है, इसका जो ये टच ग्लास है, इसका टच ग्लास क्रैक हो रखा है पूरे अच्छे तरीके से, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए, कुछ भी मिस मत करना। इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ मैं बीच में वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखोगे तभी मज़ा आएगा, सेटिस्फाइंग रहेगी वीडियो पूरी। सो सबसे पहले मैं इसको ओपनर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। और इस जो पूरे प्रोसेस में दोस्तों रिस्क रहता है स्क्रीन जाने का, एलसीडी पैनल जो अंदर का, उसको डैमेज होने का रिस्क रहता है। पहला रिस्क तो मेन इसको उतारने में होता है, जो स्क्रीन में हमारी जिस इसको उतारते हैं तब रिस्क रहता है डैमेज होने का। तो और दूसरा रिस्क होता है सेपरेटर मशीन पर। सेपरेटर मशीन पर जब हम इसकी कटिंग करते हैं, अगर ग्लास ज़्यादा ब्रेक हो, चूरा चूरा हो रखा हो, तो वो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एलसीडी पैनल को डैमेज कर सकते हैं, तो दूसरा रिस्क वहाँ होता है। तीसरा रिस्क तब होता है जब हम इसकी पंचिंग करते हैं मशीन के अंदर, तब दिक्कत आ सकती है। ये बहुत कम रिस्क होता है पंचिंग मशीन वाला, अगर किस्मत ख़राब हो किसी की तो क्या कहना। सो बैटरी को इसका मैंने कर दिया साइड में, और जो इसका पत्ता है, डिस्प्ले का फ्लेक्स केबल है, इसको बड़े आराम से उतार लेना है यहाँ पर। और इसका मैंने नोटिस किया स्क्रीन का, ये जो इसकी पेस्टिंग है बहुत ढीली हो रखी थी, मैंने इसको जस्ट हल्का सा प्रेस किया, हीट भी नहीं किया, ईजिली बाहर आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ईजिली बाहर आ गई। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक ग्लास कार्ड लगा हुआ है, तो अगर ग्लास कार्ड नहीं लगा होता और ज़्यादा ब्रेक होती है स्क्रीन, तो हमें टेप या लेमिनेट करना पड़ता है, जिससे कि हमें जो ग्रिप मिल जाती है इसके ऊपर सेपरेटर मशीन के ऊपर, ये सेपरेटर मशीन होल्ड करके रखती है। अगर क्रैक को अगर सीधा इसके ऊपर रख देते हैं तो उनके अंदर से एयर पास होती है, वैक्यूम नहीं बन पाता, इसलिए हम इसके ऊपर टेप या लेमिनेट करते हैं। और इस स्क्रीन पर तो ग्लास कार्ड लगा हुआ था, तो ग्लास कार्ड ऊपर से पूरा एक तरह से लेमिनेट जैसा ही हो जाता है, तो वो होल्ड करके रखता है इसको। तो ये एक मेटल की वायर होती है, बहुत ही पतली होती है और बहुत मजबूत होती है, इसकी मदद से हम इसकी कटिंग करते हैं। एक दो बार इसको चलाते हैं तो ये अलग हो जाती है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये बहुत ईजीली अलग हो गया है। और इसके ऊपर जो साइड में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कांच के, उनको पहले हटा देना है ग्लू रिमूवर मशीन यूज़ करने से पहले। अगर डायरेक्ट इसके ऊपर ग्लू रिमूवर मशीन यूज़ कर लेते हैं तो इन कांच से भी क्या है, स्क्रीन डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो मैंने यहाँ पर पहले से इसको थोड़ा साइड से साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसको ग्लू रिमूवर मशीन जो होती है उसे क्लीन करूँगा। ग्लू रिमूवर मशीन से क्लीन करना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, बहुत ही ईजिली इसे हमारी जो ग्लू है ओसी होती है, ये रिमूव हो जाती है। अभी जो मैं ये ग्लू रिमूव कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ओसी होती है, ऑप्टिकली क्लियर एडहेसिव होता है ये, जो कि ग्लास और एलसीडी को होल्ड करके रखता है आपस में। सारी ग्लू को रिमूव करने के बाद मैं इसको एक लिक्विड क्लीनर आता है, फाल्कन नाम होता है जिसका, ये वाला जो स्प्रे आता है, इससे मैं इसको क्लोथ की मदद से क्लीन करूँगा। ये जो बचा कुचा जो ग्लू होता है, वो सी जो बच जाती है इसके ऊपर, इसको इससे क्लीन करना होता है। तो इसको भी बड़े ध्यान से करना होता है, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना होता है, ज़्यादा प्रेस करने से भी जो स्क्रीन का लेंस होता है वो ब्रेक हो सकता है। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से साफ़ करना है, कोई यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर ग्लू रहेगी तो वो बाद में स्क्रीन पेस्टिंग करने के बाद में दिखेगी। इसको किनारों से भी मैं साफ़ कर लूँगा, इसमें साइड में भी ग्लू लगी हुई है, जिससे कि पेस्टिंग में दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से अलाइन हो जाए डिस्प्ले सेंटराइज होकर। कई बार ये साइड में ग्लू लगी होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि
थोड़ा सा ग्लास टेढ़ा पेस्ट हो जाता है। सो अभी इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, मुझे ओसी लगानी पड़ेगी। जो मैंने ओसी पुरानी हटाई है, वैसी नई ओसी से इसको लेमिनेट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको पहले चेक कर लूँगा कि डिस्प्ले ओके है या नहीं। हमारी रिस्क रहता है प्रोसेस में, तो बीच में एक बार चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन हो गई है डिस्प्ले पूरे। इसको बूट करा कर मैं चेक कर लेता हूँ। और ये नीचे जो मैंने इसके एक पन्नी लगाई है, ये लगाने का कारण ये है कि कई बार क्या होता है, टच काम नहीं करता। साइड से अर्थिंग होती है तो टच पैनल काम नहीं करता है, तो इसके नीचे ये लगाना पड़ता है। सो डार्क मोड हटाने के बाद पता चला कि पूरी डिस्प्ले एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वाइट एकदम ओके है। सो मैं इसको निकाल लूँगा और आगे प्रोसेस करूँगा कंप्लीट। सो मैं इसका कैमरा यहाँ पर पहले निकालूँगा फ्रेम क्लीन करने से पहले, जिससे कि कैमरा जो है गंदा ना हो। तो इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप होती है दोस्तों, इसकी जो पुरानी जो ग्लू है इसको सबसे पहले क्लीन करना होता है अच्छे से। अगर ये क्लीन नहीं करेंगे तो एक तो हमारा जो ग्लास है वो टेढ़ा लग सकता है पेस्टिंग करते वक्त, ग्लू की वजह से वो टेढ़ा हो सकता है। और दूसरा, कल को अगर ये क्लीन नहीं करेंगे तो स्क्रीन पेस्टिंग उखड़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पूरा फ्रेम क्लीन करने के बाद मैं इसको जो लिक्विड क्लीनर है उसे एकदम साफ़ कर लूँगा, जिससे कि जो नई ग्लू में लगाऊँगा बाद में उसकी पकड़ अच्छी हो और वो परमानेंट सॉल्यूशन रहे, ताकि पेस्टिंग वाली दिक्कत ना आए कि बार बार उखड़ रही है पेस्टिंग। यहाँ पर ये ग्लास मैंने लिया है। ग्लास दो टाइप कहते हैं, एक पर ओसी लगी हुई होती है और एक पर नहीं लगी हुई होती। तो ये बिना ओसी वाला ग्लास है, इसके आपस में चिपकाने के लिए ये ओसी लगानी ज़रूरी है। जैसे हमने ओसी हटाई थी पहले, जो ग्लू थी वो यही ओसी होती है। तो अभी मैं ओसी को लेमिनेट करूँगा इसके ऊपर। तो एक बार फिर से इसको एकदम साफ़ कपड़े से, जो क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स आते हैं, एकदम नया कपड़ा लेना फ्रेश, उसे क्लीन करके एक भी डस्ट पार्टिकल ना बचे। अगर बच गया तो बाद में स्क्रीन के अंदर दिखेगा, हल्का सा दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा, ऐसे दिक्कत नहीं करेगा ज़्यादा। तो पूरा इसको एकदम क्लीन करके मैं ओसी लेमिनेट कर दूँगा इसके ऊपर। रोलर चला देना इसके ऊपर बढ़िया से। फिर इसकी मैं कटिंग कर लूँगा ओसी की, जो एक्स्ट्रा ओसी है साइड में। सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं, इससे क्या कटिंग इजी रहती है। तो इसको इसके किनारे किनारे पर चलाकर पूरा अलग से कर लेना है। एक बार से काम नहीं बने तो दो बार चलाना ब्लेड, जिससे कि बढ़िया से कटिंग हो जाए। जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर भी अटक गई थोड़ी सी, तो इसको फिर से कटिंग करनी पड़ेगी। अब ग्लास को लगाने से पहले इसके ऊपर जो ये फिल्म लगी होती है इसको हटा लूँगा, जिससे विजिबिलिटी अच्छी रहे किनारों की और ग्लास हमारा जो है एकदम सीधा पेस्ट हो। तो अब जो ओसी के ऊपर एक जो लेयर लगी होती है
इसको मैं हटा दूँगा और सेम ही जो एक ग्लास के ऊपर इसको भी डालूँगा। एकदम परफेक्टली एक साइड से इसको रखना है अलाइन करके बढ़िया से, और बिल्कुल किनारों से देखते हुए अच्छे से रख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हल्की सी पकड़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसको प्रेस नहीं करना है, सीधा यहाँ से बाहर निकाल लेना है और ये जो हमारी पंचिंग मशीन होती है इसके अंदर डाल देना है। पंचिंग मशीन में वैक्यूम क्रिएट होता है और साथ ही प्रेशर भी देती है ये पंचिंग करते हुए इसको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। सो यहाँ पर पंचिंग हो गई है और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बड़ा सारा एयर बबल आ गया, जो कि हमारी डीफोमिंग मशीन है इसके अंदर निकल जाता है। तो डीफोमिंग मशीन में 10 मिनट का टाइमर सेट किया हुआ है और ये मशीन क्या करती है, प्रेशर डालती है स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि जो बबल्स होते हैं स्क्रीन के अंदर एयर बबल आ जाते हैं उसी के बीच में वो रिमूव हो जाते हैं अच्छे से। तो 10 मिनट के टाइम के बाद मैंने इसको चेक किया तो एकदम ओरिजिनल जैसी जो है लुक आ रही थी इसकी, पूरी बढ़िया से एकदम हो गई है उसी कंप्लीट। उसके बाद जो मैंने इसकी जाली निकाली थी स्पीकर जाली, उसको क्लीन करके और जो पेस्टिंग ग्लू है इसको लगा देना है अच्छे से एकदम, ना ही ज़्यादा लगाना है ना ही कम लगाना है, पूरे फ्रेम में बढ़िया से लगा देना है। ये यहाँ पर एक बोनस टिप होती है, जो स्पीकर जाली है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि बात करते हुए ये भी इसकी आवाज़ बहुत कम आती है या कई बार आती नहीं है। तो ये जब स्क्रीन चेंज करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है मोस्टली। अब कोई नहीं करता तो उसका क्या कह सकते हैं, बाकी मोस्टली हो जाती है सॉल्यूशन। हल्की सी ग्लू मैंने जाली के नीचे भी लगाई थी, जिससे क्या है कि कैमरा में डस्ट नहीं जाती। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कैमरा में डस्ट जाने की दिक्कत आती है, नई स्क्रीन डलवाते हैं या पेस्टिंग करवाते हैं उसके बाद, तो कैमरा के ऊपर हल्की सी ग्लू लगा देते हैं जहाँ पर जाली लगी होती है, ज़्यादा नहीं लगानी, ज़्यादा स्पीकर जाली को ब्लॉक भी कर सकती है, वहाँ पर हल्की सी ग्लू लगा देनी है। और मैं कैमरा भी इसका साफ़ कर दूँगा, हमारा क्लोथ होता है कॉटन का, उसे कैमरा साफ़ कर लेना है और फिंगरप्रिंट वगैरह जितने भी इसके कंपोनेंट जो जो खोला था सब वापस पैक कर देना। काम हो गया हमारा कंप्लीट दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोस के लिए। स्पीकर और माइक्रोफोन में भी इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है काफ़ी सारी, और सेम इसी तरह इसके जो ढक्कन है इसके अंदर भी जो जाली है ब्लॉक हो रखी है, तो इसको मैं फाल्कन लिक्विड से क्लीन करके सारी इसकी मिट्टी निकाल दूँगा, बढ़िया से क्लीन कर दूँगा, जिससे कि आवाज़ भी बढ़ जाएगी, पहले ब्लॉक हो रखी थी थोड़ी। तो इस तरह से मैं इसको पूरा पैक कर दूँगा वापस जैसे खोला था, और पैक करने के बाद जो इसकी जो ग्लू होती है साइड में स्क्रीन के साइड में, वो ग्लू को मैं क्लीन कर दूँगा लिक्विड की मदद से। चाहे तो हम रबड़ लगाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं जब रबड़ हटाएं, लेकिन मैं पहले ही कर दूँगा इसकी, पहले करना थोड़ा ईजी रहता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोस के लिए। मान जी के आगे भी हाथ जोड़ दिए अब तो।